ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रजा शर्मा। लोकसभा चुनाव का चुनावी समर काफी नजदीक है, ऐसे में बिहार के सभी पॉलिटिकल पार्टियां एक्टिव मोड पे नजर आ रही है और सभी पार्टियों की तरफ से रणनीतियां भी बनाई जा रही है ताकि मैदान में दमखम के साथ उतरा जा सके। बिहार की बात की जाए तो बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां कम नहीं है और किसी भी पार्टी को नजरअंदाज या फिर कम आंका भी नहीं जा सकता। ऐसी एक पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP और उनके अध्यक्ष हैं मुकेश सैनी। अब बिहार के महागठबंधन का हिस्सा भी बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने VIP को RJD के कोटे से 3 सीटें भी दे दी। अब ऐसे में सवाल भी उठता है कि महागठबंधन में मुकेश सैनी की एंट्री से तेजस्वी को कितना फायदा होगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से RJD अब 26 नहीं बल्कि 23 सीटों पर चुनाव में उतरेगी। दरअसल RJD ने अपने हिस्से की 3 सीट मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर मुकेश सैनी को दे दी। ऐसे में अब RJD 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी। कई सीटों पर RJD ने अपने उम्मीदवार का ऐलान पहले से ही कर दिया। समझौते के अनुसार लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD अपने हिस्से की 3 सीटों को मुकेश सैनी की पार्टी VIP को देगी। बिहार में मुकेश सैनी की पार्टी मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर से चुनावी मैदान में उतरती नजर आएगी। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित VIP के अध्यक्ष मुकेश सैनी मल्लाहों की राजनीति करते हैं। मल्लाह में करीब 2 दर्जन उपजातियां हैं और एक अनुमान के मुताबिक करीब 7 से 10% आबादी जो है वो मल्लाहों की है। कहा यह जाता है कि उत्तर बिहार में जहां नदी की संख्या अधिक है वहां मुकेश सैनी का वोट हार जीत का रुख तय करता है। बिहार में मल्लाह जाति का वोट करीब 7 से 10% के करीब है। वहीं मुकेश सैनी की पार्टी का ये दावा है कि बिहार में निषाद समुदाय का करीब 14% वोट है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि मुकेश सैनी जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं उनका मिथिलांचल यानी कि मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और खगड़िया समेत उत्तर बिहार के कई इलाकों में जबरदस्त प्रभाव भी है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो ये 3 सीट देकर बड़ा दाव चला है इसका सीधा फायदा तेजस्वी यादव को भी हो सकता है। मुकेश सैनी तेजस्वी यादव के साथ जीत की बड़ी परिपाटी भी लिख सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि मुकेश सैनी ने तो तेजस्वी से हाथ मिला लिया लेकिन आगामी चुनाव में महागठबंधन की स्थिति क्या कुछ होती है। आपको अब तक का राजनीतिक समीकरण क्या समझ में आ रहा है? मुकेश सैनी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।